इंदौर में भड़काऊ पर्चे बांधकर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश पिछले दिनों की गई थी। शहर के फिजा में नफरत घोलने के लिए मुस्लिम लड़कियों को समझाइश देने वाले पर्चे बटने से हड़कंप मच गया था, लेकिन पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए 5 आरोपियों को कब्जे में ले लिया है। आपके स्क्रीन पर दिख रहे ये वही लोग हैं जो शहर की शांति को अशांत करना चाहते थे। मस्जिद के बाहर विवादित भड़काऊ पर्चे बांटकर अमन में आग लगाना चाहते थे। रावजी बाजार थाना पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि आजाद नगर के रहने वाले एक शख्स ने इन्हें पर्चे बांटने के लिए कहा था। गौर करने वाली बात है कि पर्चों में मुस्लिम लड़कियों से अपील की गई थी कि वो भगवा ट्रैप में न फंसे। मुस्लिम लड़कियों की कीमत 7 जमीन और 7 आसमानों से ज्यादा बताई गई थी। पर्चे में कहा गया था कि मुस्लिम लड़की मामूली नहीं बल्कि इस्लाम की शहजादी है। आरएसएस और बजरंग दल पर सवाल उठाते हुए पर्चे में लिखा था कि ये 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को काफिर बनाकर उनकी इज्जत तार तार करना चाहते हैं। कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि के समय थाना राजूगा क्षेत्र में पर्चे बांटते हुए देखा, और जब वो पर्चे देखे गए तो उनमें इस तरह का कंटेंट था जो समाज में सौहार्द बिगाड़ सके, तो इस मंशा से वो पर्चे बांटे गए थे। जिस पर्चे थाना राजूगा पर धारा 153A IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए टीमें गठित की गई और लगभग 4 टीमें इसमें लगाई गई। अलग अलग एंगल्स उन्होंने काम किया, जो टेक्निकल इनपुट्स थे CCTV फुटेज खंगाले गए और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भी काम किया गया, और जिस पर से थाना राजूगा द्वारा जो है 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जो है आगे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने 5 युवकों को CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद आजाद नगर में रहने वाले एक युवक का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि रावजी बाजार थाना की एक महिला ने हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं के साथ थाने में पुलिस से शिकायत की थी। पर्चों में बजरंग दल और RSS को लेकर अभद्र टिप्पणी की और मुस्लिम लड़कियों को उनसे बचने की सलाह दी जा रही थी। मामला संज्ञान में आने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए थे, लिहाजा मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इनसे पूछताछ में पुलिस सच्चाई और असली राज उगलवाएगी कि आखिर किस मंशा के तहत ये भड़काऊ पर्चे बांटे गए थे। साथ ही इस बात का पता लगाने की भी पुलिस कोशिश करेगी कि आखिर भगवा लव ट्रैप शब्द किस मुहिम के तहत चलाया गया है, इसके पीछे की साजिश क्या है और इसका अंतिम मकसद क्या है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सचिन बहरानी, इंदौर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।